हेलो फ्रेंड्स वेलकम हेयर कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल आज की मेरी वीडियो है फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस या फिर फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस हम बोल सकते हैं कि सेंटेंस कितने तरह के होते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि फ़ाइव फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस होते हैं सेंटेंस पांच तरह के होते हैं फर्स्ट है हमारा असर्टिव सेकेंड है हमारा इंटरोगेटिव थर्ड है इम्परेटिव फोर्थ है एक्सलामेट्री एंड फिफ्थ है ऑप्टेटिव ओके okay. एक बार दोबारा से रीड करते हैं फर्स्ट इज एसर्टिव सेकेंड इज इंटरोगेटिव थर्ड इज इम्परेटिव फोर्थ इज एक्सलामेट्री एंड फिफ्थ इज ऑप्टेटिव अगर आप जानना चाहते हैं कि सेंटेंस क्या होता है ठीक है एंड सेंटेंस कैसे बनता है सब्जेक्ट प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट ये सब क्या हैं तो इनके लिए मेरी प्रीवियस टू वीडियोस देख सकते हैं जो ऑलरेडी सेंटेंस पर हैं उसमें मैंने सेंटेंस क्या होता है कैसे बनता है सब्जेक्ट क्या है प्रेडिकेट क्या है वर्ब क्या है नाउन्स क्या हैं एंड प्रेडिकेट में क्या क्या इंक्लूड होता है सब्जेक्ट में क्या क्या इंक्लूड होता है सारा डिटेल में डिस्क्राइब किया है ठीक है एंड अगर हम बात करें यहाँ पर कि ये सेंटेंसेस जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस है मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि फाइव तरह के सेंटेंसेस होते हैं फर्स्ट इज़ असर्टिव एंड असर्टिव को हम अफर्मेटिव या फिर नेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं एंड इसमें नॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस आते हैं इनको सिंपल सेंटेंसेस भी बोलते हैं ठीक है एंड इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस यानी कि नहीं वाले वाक्य भी आते हैं सिमिलर वे में जो सेकेंड है हमारा इंटेरोगेटिव इसको प्रश्नवाचक दैट मीन जिसमें क्वेश्चन मार्क लग जाए जब हम किसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो जो सेंटेंस होगा दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस ओके थर्ड है हमारा इम्परेटिव जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं एडवाइस देते हैं या फिर किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो उस सेंटेंस को कहते हैं हम इम्परेटिव सेंटेंस ओके एक्सलामेट्री एक्सलामेट्री बहुत ईजी है जिन सेंटेंसेस में एक्सलामेट्री साइन लगता है विस्मय भाव होता है हमारा ठीक है जैसे कि हम एकदम से बोलेंगे ओ माय गॉड या फिर हम बोलेंगे हुर्रे या हम बोलेंगे वाव wow! ठीक है तो इस तरह के वर्ड जब हम यूज़ करते हैं जब हम विस्मय भाव को प्रकट करते हैं तो उन सेंटेंसेस को बोलते हैं एक्सलामेटरी सेंटेंस एंड लास्ट वन है ऑप्टेटिव ऑप्टेटिव जब हम किसी विश uh, को मांगते हैं या फिर हम किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो सेंटेंसेस होते हैं ऑप्टेटिव ठीक है अब मैं नीचे इनके एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारे एसर्टिव सेंटेंस के जिसमें फर्स्ट सिंपल सेंटेंस है एंड सेकेंड इज फर्स्ट अफर्मेटिव है एंड सेकेंड इज नेगेटिव देखिए द अर्थ मूव्स राउंड द सन ये अफर्मेटिव है स्मोकिंग स्मोकिंग इज इंज्यूरियस टू हेल्थ स्मोकिंग हेल्थ के लिए डेंजरस है इंज्यूरियस है जरूरी नहीं है जिन वाक्यों में जिन सेंटेंसेस में नो no, नेवर लगे वही नेगेटिव हों अगर इस तरह ने, आ, नेगेटिव वॉइस वाले नेगेटिव साउंड वाले सेंटेंस हैं जैसे कि हेल्थ के लिए आ, इंजूरियस है तो ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस ही होता है तो फर्स्ट इज आवर अफर्मेटिव सेंटेंस सेकेंड इज़ आवर नेगेटिव सेंटेंस एंड दोनों जो एग्जाम्पल हैं ये है हमारे असर्टिव सेंटेंस के ओके एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ये दो सेंटेंसेस मैंने लिए हैं दोनों इंटेरोगेटिव हैं क्वेश्चन मार्क एंड में लगा है राइट इज शी अ डॉक्टर क्या वह डॉक्टर है हु नॉक्स एट द डोर गेट पर कौन नॉक कर रहा है राइट एंड थर्ड हमारा जो सेंटेंस है वो है इम्प्रेटिव एंड इसमें ऑर्डर एडवाइस एंड रिक्वेस्ट की बात करते हैं अब पढ़ते हैं इन सेंटेंसेस को टाइप दीज लेटर्स एट वंस इन लेटर्स को एक बार में टाइप कर दो तो ये क्या हो गया ऑर्डर तो ये कौन सा सेंटेंसेस है सेंटेंस सॉरी इम्परेटिव राइट सेकेंड ऑलवेज हेल्प द निधि हमेशा निधि की हेल्प करो ये क्या है हमारा एडवाइस यो तो एडवाइस क्या है अगेन इम्परेटिव सेंटेंस थर्ड क्या है प्लीज लेंड मी योर स्कूटर प्लीज मुझे अपना स्कूटर थोड़े टाइम के लिए प्रोवाइड uh, करा दो लेंड uh, करा दो तो दिस इज आवर रिक्वेस्ट ठीक है और रिक्वेस्ट किस में इंक्लूड होती है अगेन इम्परेटिव तो ये तीनों एग्जाम्पल हैं इम्परेटिव सेंटेंस के फोर्थ है हमारा एक्सपलामेटरी एंड इसमें एक्सलामेशन साइन तो लगेगा ही ऑलवेज जस्ट लाइक दैट हर रे वी हैव वोन द मैच हम मैच जीत गए हर रहे एंड ये कौन सा सेंटेंस है एक्सलामेशन uh, साइन है इसमें और एक्सलामेटरी सेंटेंस है ये राइट right? uh, फिफ्थ है हमारा ऑप्टेटिव विश और ब्लेसिंग मे यू लिव लॉन्ग ये क्या है हमारी ब्लेसिंग तो ये कौन सा सेंटेंस है ऑप्टेटिव एंड सिमिलर वे में जो सेकेंड है इस केंटेंस वोट रिच काश मै रिच होता काश में रिच होती तो ये क्या है हमारी विश ठीक है तो ये कौन सा सेंटेंस है ऑप्टेटिव एंड मे यू लिव लॉन्ग हमारी ब्लैसिंग है ठीक है जब हम किसी को ब्लेस करते हैं तो हम कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग आप लंबा जियो आप दीर्घकाल जियो आपकी आयु लंबी हो तो ये जो ब्लैसिंग है विश और ब्लैसिंग दोनों आती है ऑप्टेटिव में तो ये दोनों सेंटेंसेस जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस हैं ठीक है आई होप की आपको फॉर्म्स ऑफ सब ऑफ सेंटेंस एंड फाइव तरह के सेंटेंस uh, होते हैं एंड इनके एग्जाम्पल जो मैंने समझाए हैं उनसे क्लियर हो गया होगा ये सेंटेंस का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं कैसे हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं ठीक है और अगर पार्ट वन पार्ट टू सेंटेंस का आप देखना चाहते हैं जिसमें सेंटेंस क्या होता है uh, कैसे बनता है कैसे बनाते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट ये सब क्या है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली उस वीडियो को ओपन कर सकते हैं इफ यू लाइक डोंट फोर टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर वाचिंग मोर वीडियोज लाइक दिस बाय फॉर नाउ हैव अ गुड डे ओके